हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ दम आलू की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। तो आप इस बार ज़रूर मेरे स्टाइल से दम आलू बनाइए कि सब मांग मांग के खाएंगे और उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो आइए हम बनाते हैं ढाबे स्टाइल दम आलू। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं इस साइज़ के, जो बेबी पोटैटो है मार्केट में आराम से मिल जाएंगे आपको। ये सर्दियों के आलू है तो थोड़े मिट्टी से भरे हुए। मैं इनको छील के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। छीलने से इनकी मिट्टी कुछ हद तक उतर जाएगी और फिर 3 से 4 बार मैं इनको पानी में अच्छे से साफ़ कर लूँगी। यह देखिए, इसकी मिट्टी लगभग हट गई है और ये एकदम साफ़ हो गए हैं आलू। मैंने कुकर में पानी गर्म चढ़ा दिया है और उसमें सारे आलू डाल के, आधा चम्मच नमक डाल के और इस कुकर पर ढक्कन लगा के 2 सीटी आने तक हम इन आलुओं को उबाल लेंगे। अपने आलू उबल गए हैं, अब हम कांटा चम्मच की हेल्प से सभी आलू में छेद कर लेंगे, जिससे कि जब हम आलूओं को ग्रेवी में छोड़ेंगे तो ग्रेवी इन आलूओं के अंदर तक चली जाएगी और अपने आलू एकदम जूसी और टेस्टी बनेंगे। तो मैंने सारे आलू में छेद कर लिए हैं। अब मैं कढ़ाई में 4 चम्मच तेल लूँगी और उसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी, थोड़ी सी हल्दी डाल के आलूओं को फ्राई कर लेंगे। जब तक आलू एकदम सुनहरे फ्राई नहीं हो जाते, तब तक हम इनको मिक्स करते हुए ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। हल्दी डाल के आलू फ्राई करने से जो हल्दी का कलर आलूओं पे चढ़ेगा वो इतना अच्छा लगेगा ना ग्रेवी के अंदर जब आलू जाएंगे तो, और अपना सब्जी तो टेस्टी होनी है। तो अब आलू फ्राई हो गए हैं और मैं इनको छलनी से बाहर निकाल लूँगी। ऐसे मैं जो अपने आधे आलू और हैं उनको भी ऐसे ही फ्राई कर लूँगी और एकदम सुनहरा फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे इनको भी। हो गए हैं अपने आलू फ्राई। अब इसी तेल में हम अपनी ग्रेवी तैयार करते हैं और मैंने 2 हरी मिर्ची और 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं और इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। 2 मैंने टमाटर डाले हैं। अब इनको हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। 1/2 चम्मच मैंने नमक डाल के पका लेंगे हम। नमक डालने से थोड़े जल्दी फ्राई हो जाएंगे ये, और इनको सॉफ्ट करना है। ये प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर फ्राई करके ग्रेवी में डालने से ग्रेवी बहुत ही स्मूथ और मस्त बनती है। तो आप ये स्टेप ज़रूर ट्राई करना, इससे आपकी ग्रेवी में 4 चांद लग जाएंगे। हो गए हैं अपने प्याज फ्राई। अब इनको मैं बाउल में बाहर निकाल के थोड़ी देर ठंडा कर लूँगी और फिर हम इसमें मिक्सी में इनको घुमा के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। मैंने 8 से 10 काजू भिगो के रखे हैं, इनका भी हम पेस्ट बना लेंगे। मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिए हैं, जिनमें मैंने खड़े मसाले डाले हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, दालचीनी और थोड़ी सी मैंने हींग डाली है। इनको मिक्स कर लेंगे। तो जो हमने पेस्ट बना के रखा था अपने प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर का, वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और जब तक ये तेल ना छोड़े तब तक हम इनको फ्राई करते रहेंगे। इस रेसिपी में ग्रेवी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपकी ग्रेवी जितनी ज़्यादा अच्छी बनेगी आपकी सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ग्रेवी को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसने तेल छोड़ दिया है और अपनी ग्रेवी का कलर अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैंने 2 बड़े चम्मच दही लिए हैं, उनको अच्छे से फेंट लिया है और उसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच मैंने लाल मिर्ची डाली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और इनको हम मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को दही में अच्छे से मिक्स करके, और लगभग 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। ग्रेवी पक गई है। अब इसमें हमने जो काजू का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे और इसको भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी और तेल छोड़ने लगेगी तब इसमें हमने जो दही में अपने सूखे मसाले भिगो के रखे थे वो डाल देंगे हम इसमें, और अपनी गैस की फ्लेम एकदम लो रखेंगे जिससे कि दही फटेगी नहीं। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल दूंगी और उसको मिक्स कर लेंगे। ये नमक मिक्स हो गया है। थोड़ी देर हम इसको और फ्राई कर लेंगे जिससे कि सारे मसाले अपने कलर छोड़ दे और ग्रेवी का कलर एकदम बढ़िया आ जाए। अब 1 चम्मच मैंने इसमें फ्रेश दूध की क्रीम डाल दी है और इस क्रीम को भी हम मिक्स कर लेंगे। देखिए एकदम अपनी ग्रेवी कितनी क्रीमी क्रीमी हो गई है। ग्रेवी को देख के अभी से ही मुंह में पानी आने लग गया है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी और नई नई रेसिपी लेके आती रहूं। अब जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे वो हम इस ग्रेवी में डाल देंगे
और 2 मिनट के लिए इन आलू को ग्रेवी के साथ फ्राई कर लेंगे, जिससे कि जो हमने आलू के अंदर छेद किए थे अपनी ग्रेवी उसके अंदर तक चली जाए और अपने आलू एकदम मस्त और टेस्टी बने। तो ये आलू फ्राई हो गए हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। अब हम इसमें जितना हमें पानी चाहिए, जैसी ग्रेवी चाहिए, अगर पतली चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, और अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो पानी थोड़ा कम डाल दीजिए। अब हम अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे, आलू को और ग्रेवी को, और कम से कम 5 मिनट के लिए हम इनको पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि अपने आलू एकदम अच्छे से पक जाएं। अब मैंने कसूरी मेथी को क्रश करके इसमें डाल दिया है। अब मेथी को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, ढाबे जैसी दम आलू की रेसिपी घर पे भी एकदम आसानी से बना सकते हैं हम। अब मैंने आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाले को मिक्स करके अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसको थोड़ी देर और मिक्स कर लेंगे। हरे धनिया से दम आलू में एक अलग ही खुशबू आ जाती है और ये अपने दम आलू एकदम ढाबे स्टाइल तैयार है। तो अब हम इसको बाउल में सर्व करेंगे। ये देखिए कितने मज़ेदार दम आलू है। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने परिवार को खिलाइए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब